बच्चों, कक्षा दो हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारे पाठ्य पुस्तक उड़ते पंख का पाठ 11। बच्चों, पाठ 11 एक कविता थी जिसमें हमने चिड़िया के बारे में पढ़ा था, और पढ़ा था किस तरह से चिड़िया खुले आसमान में उड़ना फिरना पसंद करती है और हमेशा कितनी भी मुसीबत आए वह खुश रहती है, और नीचे सिर्फ वह दाना पानी चुगने के लिए आती है, पानी पीने और दाना चुगने के लिए आती है और फिर वापस आकर आसमान में उड़ जाती है। फिर हमने उसका अभ्यास भी किया और उसके अभ्यास में हमने पिछले वीडियो में हमने किया अब करने की बारी में हमने एक नई कविता भी बनाई थी और चिड़िया के बारे में कुछ और कविताएँ पढ़ने के बारे में और दूसरों को सुनाने के बारे में पढ़ा था। फिर हमने चिड़िया बनाना भी सीखा था, हमने चिड़िया गद्दे से या रुई से बना करके अपने घर में सजाने के लिए का प्रयास किया था। फिर उसके बाद कुछ यहाँ पे चित्र दिए गए थे जिनको हमको कलर बिंदुओं को मिला करके चित्र को पूरा करना था और उसको कलर करना था, और ये सब तो आपने अपने कक्षा कार्य में कर ही दिया होगा। तो बच्चों, आज हम चलते हैं अगली कहानी की ओर। तो बच्चों, आपने बहुत सारी कहानी किस्से सुने होंगे, जैसे कि अकबर और बीरबल की कहानी, और या फिर परियों की कहानी, और बहुत सारे राजाओं की कहानियाँ या जानवरों की कहानियाँ पढ़ी होंगी। तो बच्चों, कल के वीडियो में भी हमने एक कहानी पढ़ी थी और फिर उसी से संबंधित एक और कहानी पढ़ी थी। तो बच्चों, कहानियाँ सुनना और सुनाना हम सबको अच्छा लगता है, सुनाने वाले को भी अच्छा लगता है और सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। तो बच्चों, क्या आपको जो कल कार्य दिया गया था एक नई कहानी पढ़ने को, आपने पढ़ा है कहानी? मैंने तो आपको कहानी सुनाई थी, लेकिन क्या आपने कहानी पढ़ी है? बच्चों, कहानियाँ पढ़ना बहुत ज़रूरी होती है। कहानियाँ पढ़ने से हमें सीखने को मिलता है, कुछ सीख मिलती है, हर कहानी हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देती है, और शिक्षा के अलावा बच्चों हमें जीवन के मूल्य समझ में आते हैं। जीवन के मूल्य का मतलब होता है कि हमें जीवन में कुछ अच्छा आदर्श जीवन जीने के लिए हमें कुछ मूल्य को अपनाना पड़ता है और हमेशा अच्छे काम करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको कहानियों को पढ़ करके सीखने और समझने को मिलता है, और फिर भाषा तो अच्छी होती ही है। अगर हम हिंदी की कहानी पढ़ेंगे तो हमारी हिंदी भाषा अच्छी होगी, क्योंकि हम जो बातें करते हैं, जो बोलचाल की भाषा में हमारा जो भाषा होता है वो अलग होता है, वो तो हम जो दूसरे से सुनते हैं और वही बोलते हैं, लेकिन जब हम किताबों को पढ़ते हैं तो हमें नए नए शब्द देखने को, सुनने को और पढ़ने को मिलते हैं, जिससे कि हमारी हमारा शब्दकोश भी बढ़ता है। तो बच्चों, इसीलिए मैं आपको बीच बीच में पाठ के बीच बीच में कहानियाँ सुनाती रहती हूँ, ताकि आपका का जो है आपको डेली जो पढ़ने वाले पाठ है, कविताएँ हैं, उससे हटकर कुछ आपका मनोरंजन भी होगा और आप को कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा बच्चों, हम जीवन शैली, मतलब जीवन में हमें किस तरह जीना है और क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब भी हमको सीखने को मिलता है। और बच्चों, आप जानते हो मैंने अकबर और बीरबल के बारे में क्यों कहा? क्योंकि अकबर और बीरबल जो थे बहुत ही प्रसिद्ध थे, इनकी जोड़ी बहुत प्रसिद्ध थी, इनकी कहानियाँ भी बहुत प्रसिद्ध हैं, तो हम अक्सर पढ़ते हैं। उसी तरह का एक और नाम आता है जिसे हम कहते हैं तेनाली रामन। बच्चों, आपने टीवी में भी, सीरियल में भी तेनाली रामन की कहानी सुनी होगी। तेनाली रामा एक बहुत ही बुद्धिमान और सुलझा हुआ व्यक्ति था, बहुत ही समझदार था। वह जब भी उसके ऊपर उसे कुछ प्रश्न किया जाता था, वो बहुत समझदारी और सूझबूझ के साथ उसे सुलझाता था। तो बच्चों, तेनाली रामा अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पे एक और नाम जुड़ता है, वो है कृष्णदेवराय। बच्चों, कृष्णदेवराय विजयनगर के राजा थे। आपने इनकी बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी, जैसे अभी मैंने बोला कि हमारे टीवी पे सीरियल भी आता है, उसमें भी आपने तेनालीराम की बहुत सारी कहानी सुनी है, देखी हुई है, तो आप तेनालीरामा के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। और तेनालीरामा का नाम जुड़ा है, जैसा कि मैंने कहा, कृष्णदेवराय से। कृष्णदेवराय जो थे वो राजा थे। कहाँ के राजा थे? वह दक्षिण भारत में एक राज्य है जिसको नाम है विजयनगर, वहाँ के राजा थे। बच्चों, विजयनगर राजा के एक राज्य था,
इसके राजा थे कृष्णदेवराय और उनके दरबार में जो तेनालीरामा था एक मंत्री था। तेनालीरामा और कृष्णदेव राय की दोस्ती कैसे हुई बच्चों? ये पहले कहीं और का रहने वाला था, फिर वह आया विजयनगर रहने के लिए। और भाई जैसे कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ छुपी नहीं छुपती है, उसी तरह इनका भी जो कारनामा था छुपे नहीं छुपा। और इनका जब कारनामा राजा के सामने आया कि यह बहुत चालाक है, बहुत चतुर है और बहुत बुद्धिमान है और किसी भी प्रश्न, मुश्किल से मुश्किल प्रश्न हो उसका कुछ मिनटों में हल निकाल लेते हैं या फिर उपाय ढूंढ लेते हैं, तो इसीलिए राजा भी इनको बहुत अच्छे से जान गए। फिर राजा ने इनको आजमाया, कई बार आजमाया और जब राजा को भी इनकी महानता पता चली तो राजा इनसे बहुत प्रभावित हुए और इनके बहुत इनको अपना मित्र बना लिया। तो यह मंत्री तो थे ही राजा के और साथ में राजा के मित्र भी थे। तो बच्चों आपने आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जब कोई आदमी बहुत प्रसिद्ध हो जाता है तो उसके बहुत दुश्मन भी बन जाते हैं। तो राजा का मंत्री होना तो ठीक था, लेकिन जब राजा इनको बहुत समर्थन करते थे, इनको कोई भी मसला हल करते थे तो उनको उपहार देते थे, कीमती उपहार देते थे, तो बाकी लोग जो दरबारी थे उनको बहुत बुरा लगता था और उन लोगों को इनसे ईर्ष्या होती थी। तो हमेशा वो कोशिश करते थे कि तेनालीरामा को किसी न किसी तरह से नीचा दिखाए या राजा के सामने उनकी जो छवि है वो धूमिल करे या फिर छवि है खराब करे, जो इम्प्रेशन जिसे हम कहते हैं राजा के सामने जो उनकी अच्छी छवि थी उसे वो बिगाड़े। लेकिन तेनालीरामा इतना समझदार था कि कभी भी वो हारता नहीं था, जो भी उसके पास सामने परिस्थिति आती थी उसका डटकर मुकाबला करता और जो भी लोग इसके लिए परेशानियाँ लाते, इसके सामने परेशानियाँ बनाते उनको भी वो उनका भी हल करता। और जब जब वो परेशान करते या फिर राजा उन्हें कोई काम देते वो आराम से उसको हल ढूंढ लेते और राजा की समस्या दूर करते थे। तो ये राजा के सलाहकार भी थे, कोई भी परेशानी राजा को होती थी तो उसका उनका मसला हल भी करते थे। तो इससे दिन प्रतिदिन वो राजा के और करीब होते गए और इनको न चाहने वाले भी दरबार में थे वो भी बढ़ते गए, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं मारी और डटे रहे और अपना काम करते गए। तो हमने आज इतनी सारी बातें तेनालीरामा के बारे में इसलिए कही क्योंकि जो अगली हम कहानी सुनाने जा रहे हैं, कहानी नहीं एक नाटक है। तो जो कहानी और नाटक में क्या फर्क है, कहानी में हम सारे किरदार को पढ़ते हैं लेकिन नाटक में हम इनके एक एक जैसे कि हम डायलॉग कहते हैं वो उनके नाम के साथ पढ़ते हैं, किसने क्या कहा, हर एक किरदार को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। यह एक पूरा जैसे कि हम स्टेज पर किसी नाटक को देखते हैं उसी तरह इस कहानी में यहाँ पे एक जैसे विष्णु ड्रामा कहते हैं ड्रामा के रूप में यहाँ दिखाया गया है। हर दृश्य समझाने की कोशिश की गई है, हर पात्र को समझाने की कोशिश कर दी गई है और हर पात्र ने क्या कहा सब कुछ हमको यहाँ पाठ में दिया गया है। तो हम इस नाटक को आज पढ़ेंगे और तेनालीरामा के बारे में एक और कहानी जानेंगे। तो चलिए हम अपने पाठ में चलते हैं। हमारा पाठ आज का पाठ है पाठ 11 और इसका नाम है कितने कौवे। ठीक है, कहानी का नाम है कितने कौवे। और जो तेनालीरामा थे बहुत ही हाजिर जवाब थे, उनसे कुछ भी कोई कहता था फट से जवाब देते थे और बुद्धिमान तो थे ही, चतुर भी थे, इसीलिए वो किसी भी मसले का बहुत आसानी से हल निकाल लेते थे और मुश्किल से मुश्किल सवाल हो उसका हल वो बहुत आसानी से निकाल लेते थे या चुटकियों में निकाल लेते थे। ऐसे ही व्यक्ति थे तेनालीरामा। आओ अब उनकी चतुराई का एक और किस्सा पढ़ते हैं। तो बच्चों हमारे सामने एक और उनकी कहानी है जिसमें हम उनकी चतुराई को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों चलिए तैयार होते हैं, हमारा आज का पाठ है पाठ 12 कितने कौवे, कितने कौवे। तो बच्चों यहाँ पे एक दृश्य है, आप अपने पिक्चर आप अपने किताब में यह दृश्य देखिए। दृश्य में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? आपके प्रथम
प्रश्न जो स्मार्ट का पहला प्रश्न है उसके ऊपर पहले आप उसको ध्यान से देखिए और समझिए। यहाँ पे आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक पिक्चर है या सीन है या दृश्य है जिसमें हमको एक सिंहासन दिखाई दे रहा है। सिंहासन में बैठे हुए राजा दिखाई दे रहे हैं और राजा के बगल में एक आदमी है और उसके मंत्री बैठे हुए हैं और एक तरफ उनका सेवक है जो उनके बगल में जिसे हम बॉडी गार्ड कहते हैं वो खड़ा है और बाकी सारे मंत्री बैठे हुए हैं। तो बच्चों अब महाराज कृष्णदेव राय की सभा है। सभा का मतलब क्या होता है? सभा बच्चों, सभा का मतलब क्या होता है? शब्दार्थ। सभा का मतलब होता है सभा। सभा का मतलब होता है दरबार। यह क्या है? यह सभा है। सभा का मतलब होता है दरबार। दरबार में कौन कौन होते हैं? दरबार में राजा होते हैं। राजा का सिंहासन होता है। सिंहासन का मतलब होता है जिसके ऊपर राजा विराजमान होते हैं, बैठते हैं। बच्चों कहीं पे भी अगर हम हमारा बैठक करते हैं, दरबार का मतलब बैठक, जहाँ सब लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पे विचार विमर्श होता है या बातें होती हैं, तो राजा है और उनके मंत्री हैं। मंत्री कौन होते हैं? मंत्री होते हैं जो उनके अंडर में होते हैं, जो उनकी मदद करते हैं राज्य को संभालने की। जिस राज्य का राजा होता है उस राज्य के सारे काम यह मंत्री लोग देखते हैं। उसके अलावा युद्ध भी लड़ते हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो भी इनके मंत्री इनके राज्य से संबंधित कार्य होता है ये सब कुछ ये लोग संभालते हैं। और उसके बाद फिर दरबार लगता है तो ये जो भी समस्याएँ हैं या फिर जो भी इनको नया कुछ करना है या कुछ तरक्की के लिए करना है सब इस दरबार में बातें होती हैं। तो यहाँ पे जो दरबार लगा हुआ है यहाँ पे एक सिंहासन है या राजगद्दी है। राजगद्दी का मतलब जिस पे राजा बैठता है। तो राजा जो बैठता है वो बहुत बड़ा सा एक आसन होता है या कुर्सी होती है जिसे जिसके ऊपर राजा बैठता है। यहाँ पे सिंहासन दिया महाराजा का। महा मतलब राजाओं का भी राजा। राजा थोड़ा छोटा राजा होता है और उसके से भी बड़ा बहुत बड़े राज्य का जो राजा है उसे हम महाराजा बोलते हैं। तो जो कृष्णदेव राय है ये बहुत बड़े राजा थे और बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे। और ये जो राजा थे इनका जो सिंहासन था, सिंहासन उसको जिसपे वो बैठते हैं, जैसे कि हम पिक्चर चित्र में भी देख सकते हैं कि राजा है और वह सिंहासन पर बैठे हैं। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि पहले जो भारत था बहुत ही अमीर था। अमीर इन द सेंस कि उसके पास बहुत ही सोना चांदी ये सब हीरे जवाहरात बहुत ज़्यादा थे। तो तब के राजा भी बहुत सारा सोना वोना पहनते थे और जो उनकी हर चीज़ में सोना जड़ा हीरे और कीमती पत्थर जड़े हुआ करते थे। तो इनका जो सिंहासन है वो भी हीरे मोती से, सोने से और बहुमूल्य चीज़ों से सजा सजा होता था जिस पर ये बैठते थे। और तो सिंहासन का मतलब आपको समझ में आ गया, वहाँ है सिंहासन। सिंहासन का मतलब है आपके किताब में पीछे भी दिया हुआ है। सिंहासन का मतलब वह जगह जहाँ राजा बैठते हैं, राजाओं के बैठने की जगह। राजाओं के बैठने की जगह। सिंहासन का मतलब सभा का मतलब दरबार, सिंहासन का मतलब राजाओं के बैठने की जगह। सिंहासन क्या होता है? राजा जहाँ बैठते हैं दरबार में उसे हम सिंहासन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक हमने देखा सिंहासन है और सिंहासन पर कौन बैठा है? कृष्णदेव राय बैठे हैं। मंत्री और दरबारी भी बैठे हैं। तो यहाँ पे कुछ मंत्री होते हैं जो इनके लिए काम करते हैं और सलाह भी देते हैं, जैसे सलाहकार करते हैं। ये तरह तरह की सलाह देते हैं कि आप ऐसा करिए वैसा करिए तो हमारे राज्य की तरक्की होगी। समस्याओं को भी के लिए भी उपाय सुझाते हैं और समस्याओं को सुलझाते हैं। तो ये होते हैं मंत्री। उसके अलावा कुछ और लोग होते हैं जिसको हम दरबारी कहते हैं। दरबारी भी बैठे हुए होते हैं।
तो इन सारे को मिला करके यह एक सभा हो गई जहाँ सभा में राज्य के बारे में उन्हें विचार होता है। तो बच्चों यह था पहला दृश्य, यह था इस नाटक का पहला दृश्य। अब है अब हमारे पास जितने भी किरदार हैं यहाँ पे, एक तो कृष्णदेवराय हैं, मंत्री हैं, तेनालीरामा हैं, ये सबके किरदार जो भी बोलेंगे हम उनके नाम के साथ सामने उनके जो भी उनके डायलॉग है वो दिए हुए हैं और वो उनको बोलेंगे और उसी लहजे में हम पढ़ेंगे। जो क्लास में होते तो शायद इसको एक्ट करके दिखाते, हर एक बच्चा कोई कृष्णदेव राय बन जाता, कोई मंत्री बन जाता। चलिए कोशिश करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल चलिए आगे पाठ को पढ़ते हैं। कृष्णदेव, कृष्णदेव कौन है? राजा है। कहाँ के राजा है? विजयनगर के राजा है। मंत्री जी, आज हम राज्य का दौरा करना चाहते हैं, आप सारा प्रबंध कीजिए। तो आज वो क्या करना चाह रहे थे? आज वह राज्य का दौरा मतलब भ्रमण करना, यानी कि विजिट, इंग्लिश में जिसको हम विजिट करते हैं। बच्चों जो राजा होते थे पहले जमाने के, वो दूसरों के भरोसे नहीं रहते थे, मतलब कि जब भी उनको राज्य के बारे में जानना होता था कि राज्य में उनके क्या चल रहा है, वहाँ के जो राज्य में रहने वालों को हम क्या कहते हैं, वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं वो खुश हैं कि नहीं, उनको क्या समस्याएँ हैं, ये वो दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं करते थे कि कोई उनको आकर के बताएगा और तब वो उसको जानेंगे। ये लोग खुद जाते थे, कभी कभी ये वेश बदल करके भी जाते थे और कभी अपने वेशभूषा में ही जाते थे और लोगों से मिलते थे, जुलते थे और पता करते थे कि लोगों की क्या समस्याएं हैं, लोग खुश हैं कि नहीं हैं। तो उसे यह कहते थे कि दौरा, ठीक है, जैसे कि हम भ्रमण कहते हैं, अपने राज्य में घूमना, वहाँ की परेशानियों, लोगों की तकलीफों और समस्याओं को समझना और सुनना। इस पूरे काम को करने के लिए वह पूरे राज्य में घूमते थे, उसे हम कहते हैं दौरा। आप सारा प्रबंध कीजिए, दौरा हो गया आपका बच्चों, मतलब बहुत बड़ा है फिर भी हम लिख देते हैं दौरा, दौरा, ठीक है, दौरा, ये दौरा हो गया। फिर इसके बाद दूसरा शब्द है प्रबंधन, प्रबंध। बच्चों इनके अर्थ थोड़े बड़े हैं जो कि आपके पुस्तक में दिए हुए हैं। प्रबंध, दौरा का मतलब होता है जांच पड़ताल। जैसे कि मैंने कहा ना कि राजा लोग अपने राज्य में जाकर के पता करते थे कि वहाँ का हालचाल क्या है, वहाँ के लोगों का हालचाल क्या है, वहाँ क्या समस्याएं हैं। तो जांच पड़ताल के लिए फेरा लगाना मतलब घूमना, अपने राज्य में वहाँ की समस्याओं को जानने के लिए घूमना दौरा कहलाता है। दूसरा है प्रबंध, प्रबंध का मतलब होता है व्यवस्था, जिसे हम इंग्लिश में अरेंजमेंट कहते हैं या उपाय, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे व्यवस्था, व्यवस्था, इसको हम कहेंगे व्यवस्था। ये होती है व्यवस्था या उपाय, किसी चीज़ का अरेंजमेंट करना जिसको हम कहते हैं। जब भी हमारे घर में कोई काम होता है या कोई उत्सव होता है तो हम उसका प्रबंध करते हैं, तो उसके लिए जो भी हम तैयारी करते हैं, अरेंजमेंट कहते हैं, उसको हम व्यवस्था कहते हैं या प्रबंध करते हैं। तो यह हुआ व्यवस्था। तो बच्चों कृष्णदेव ने क्या कहा? कृष्णदेव ने कहा, मंत्री जी आज हम राज्य का दौरा करना चाहते हैं, आप सारा प्रबंध कीजिए। वो अपने मंत्री से कहते हैं कि आज हम राज्य का दौरा करना चाहते हैं, आप सारा प्रबंध कीजिए। इधर उधर देखते हुए किसने देखा? इधर उधर तेनालीरामा ने अपनी नजर इधर उधर घुमाई और देखते हुए कहा, तेनालीरामा कहाँ है? तो मतलब तेनालीरामा कृष्णदेव राय के लिए प्रमुख थे, मतलब इतने उनके करीब थे कि उनके बिना उनका कोई काम नहीं चलता था। जो भी वो काम करते थे उनसे विचार विमर्श कर करके के और उनके अपने साथ उनको लेकर के ही करते थे। तो जब उनको उन्होंने इधर उधर देखा, उनको कहीं पर नहीं दिखे, तब उन्होंने पूछा कि वह कहाँ है। अब मंत्री, कौओं को रोटी खिलाने गए हैं महाराज। मंत्री ने क्या बोला? कौओं को रोटी खिलाने गए हैं महाराज, मतलब तेनालीराम कहाँ गए हैं? कौओं को रोटी खिलाने। तो कृष्णदेव राय गुस्से से बोले, क्या हमने तो आज सभी को सभा में हाजिर रहने की आज्ञा दी थी। तब कहा कि मतलब इन्होंने पहले से कहा था सबको कि सब आज सभा में हाजिर रहेंगे, क्योंकि वह कहाँ जाने वाले थे? वह अपने प्रदेश की
कि आपने राज्य की के दौरे पर जाने वाले थे। तो उन्होंने गुस्से से कहा, क्या हमने तो आज सभी को सभा में हाजिर रहने की आज्ञा दी थी। सबको उन्होंने आज्ञा दिया था कि सब लोग यहाँ पर हाजिर रहेंगे। तेनालीराम का प्रवेश, प्रवेश का मतलब कहीं बाहर से अंदर आना, ठीक है। तो बाहर थे, बाहर से वो कहाँ अंदर आए थे, अंदर अंदर दरबार में आए। अभी तक वह नहीं थे, उन्होंने दरबार में प्रवेश किया, मतलब वो दरबार के अंदर आए। तेनालीराम, महाराज मैं हाजिर हूँ। हाजिर होना मतलब उपस्थित होना। जब आप क्लास में आते बोलते हैं ना, सर नाउ आई एम प्रेजेंट, तो उसी तरह उन्होंने कहा मैं हाजिर हूँ। तो अपनी उन्होंने प्रेजेंस बताई, अपना वहाँ उपस्थित होना उन्होंने जाहिर किया। तो कृष्णदेव मन ही मन मुस्कुराते हैं, क्योंकि बच्चों जब कोई हमारा बहुत प्रिय होता है, हमारे बहुत समीप होता है, तो हम उसके उपस्थिति या उसके आने का बहुत से बहुत खुश होते हैं। तो कृष्णदेव राय का, क्योंकि वो बहुत अच्छे सलाहकार थे, उनके हर मुसीबत में काम आते थे और उनके हर परेशानी का सुझाव उनके पास होता था और हर समस्या का हल करते थे। तो इसलिए कृष्णदेव राय उनके लिए बहुत प्रमुख थे, और शायद वो नहीं होते थे तो ये कुछ अकेला महसूस करते थे या कुछ उनके जीवन में कुछ खाली पड़ था। तो इसलिए जब वो उन्होंने यहाँ तक कि कुछ देर पहले वो नाराज़ थे ना, वो कृष्णदेव राय से नाराज़ थे, लेकिन जब उन्होंने कहा कि मैं हाजिर हूँ, तो वो मुस्कुराते हुए, तेनालीराम सुना है आप कौवों को रोटी खिला रहे थे। राजा ने क्या पूछा, तेनालीराम सुना है कि आप कौवों को रोटी खिला रहे थे। अब कौन बोल रहा है, तेनालीराम बोल रहे हैं। जी महाराज, तेनालीराम ने क्या कहा, जी महाराज, जो वो कर रहे थे उसे मानते हुए उन्होंने कहा कि जी महाराज। तो कृष्णदेव ने क्या कहा, अच्छा यह बताइए कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। तो उसी का जवाब देते हुए तेनालीराम ने बोला, उनसे प्रश्न किया कि अच्छा बताइए हमारे राज्य में कितने कौवे हैं, ठीक है। तेनालीराम ने क्या कहा कि अच्छा बताइए, जब आप रोटी खिला रहे थे तो उस पर उन्होंने प्रश्न किया, अच्छा बताइए आप हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। तेनालीराम सिर्फ खुजलाते हैं, जब हमें किसी चीज़ कोई चीज़ का उत्तर सही नहीं पता होता है तो अपने सिर खुजलाते हैं ना, उसी तरह तेनालीराम ने अपने सिर पे खुजलाते हुए, मतलब कि वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या जवाब है, सिर खुजलाते हुए महाराज कौवों की गिनती के लिए मुझे 2 दिन का समय दीजिए। मतलब उनको उत्तर इस चीज़ का नहीं पता था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप इसका उत्तर बताने के लिए मुझे 2 दिन का समय दीजिए। और फिर देख रहे हैं महाराज ने कहा क्या, कहा कृष्णदेव राय, हाँ हाँ आप गिनती कर लें, आज से 3रे दिन हमें बताएं कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। तो इत्मीनान से कृष्णदेव राय ने उनकी बात पे हामी भरते हुए कहा, उनकी बात को मानते हुए कहा कि ठीक है आपके पास, आपको मैं समय देता हूँ, आज से 3रे दिन, 2 दिन उन्होंने मांगा था, 2 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, 3रा दिन आएगा, 3रे दिन आप मुझे गिनती करके बताएंगे कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 दिन बाद अब दृश्य चेंज हो गया, मतलब क्योंकि यह नाटक है, नाटक का दृश्य चेंज हुआ, 2 दिन के बाद फिर सभा लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे फिर महाराज की सभा में दरबारी आपस में बात करते हुए, अब बच्चों अब तेनालीरामा को कोई काम दिया गया था, तेनालीरामा को क्या काम दिया गया था, कौवों की गिनती करने का काम दिया गया था। तो सारे जो दरबारी थे वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि शायद, क्योंकि दरबारी को तेनालीरामा से जलन होती थी, क्यों, ईर्ष्या होती थी, क्यों, क्योंकि तेनालीरामा जो थे महाराज के बहुत करीब थे। महाराज कौन है, राजा, महाराज को हम यहाँ पे राजा को यहाँ पे महाराज कह रहे हैं। जो कौन है राजा, कृष्णदेव राय। तो जो कृष्णदेव राय थे तेनालीरामा को बहुत पसंद करते थे, और जब भी वो उनको कुछ भी मुश्किल से सवाल देते थे वो उसका हल ढूंढ करके लाते थे, क्योंकि वो एक हाजिर जवाब थे और वो किसी भी प्रश्न का फट से जवाब देते थे, तुरंत जवाब देने को हम हाजिर जवाब भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारे दरबारी इंतज़ार कर रहे थे कि शायद आज कृष्णदेव राय इसका उत्तर ना बता पाए और फिर मज़ा आएगा और राजा नाराज होंगे वगैरह वगैरह, तो बहुत सारे, या फिर आज क्या उत्तर लेकर के आता है कृष्णदेव राय। तो हमेशा तेनालीरामा ऐसे ऐसे उत्तर लाता था, ऐसे ऐसे मसलों को हल करता था कि
सब लोग उसके उत्तर का इंतजार कर रहे थे। सबके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न चल रहे थे कि तेनालीरामा कौओं को गिन पाएगा कि नहीं, और तेनालीरामा कौओं को कैसे गिनेगा। क्या आपको लगता है कौओं को गिन पाना बहुत आसान काम है? आप कौओं को या किसी भी चिड़िया को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। चिड़िया आती जाती रहती है, और क्योंकि हम उसको पहचान नहीं सकते किसको अभी गिना कौन सा है, तो ये बहुत मुश्किल काम था। इसलिए लोगों के दिमाग में, मंत्री थे जो दरबारी थे, उनके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी कि देखो तेनालीराम आज क्या करता है, कर पाता है कि नहीं, और राजा नाराज होते हैं, खुश होते हैं, तो ये सारी बातें लोगों के बीच में चल रही होती है और वो आपस में इस चीज़ का विचार कर रहे होते हैं। तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब पहला दरबारी, दरबार में रहने वाले मंत्री को हम दरबारी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे दरबारी हैं। तो जिस दरबारी ने पहला पहली बात बोली उसको यहाँ पे पहला दरबारी बोला गया है। आज तेनालीराम को पता चलेगा, मतलब सबको लग रहा था कि शायद ये काम बहुत मुश्किल है और तेनालीराम नहीं कर पाएगा। तो पहला दरबारी द्वारी बोलता है, आज तेनालीराम को पता चलेगा, खूब बेइज्जती होगी, अपने आप को बड़ा चतुर समझते हैं ना। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो भाषा है बच्चों, इस तरह से कौन बोलता है जो हमसे ईर्ष्या करता है, जो हमसे जलता है हमारी कामयाबी या हमारी लोकप्रियता से जलता है। तो इस जैसा कि मैंने बताया, ये सारे मंत्री जो थे तेनालीरामा की तरह ही थे, और सब चाहते थे कि हम भी राजा के करीब जाएं और हम भी राजा के खास मंत्री बने, और हमें भी राजा बहुत पसंद करें, और हमें भी तरह तरह के इनाम दें, जब भी हम एक सवाल का हल निकालें तो हमें एक इनाम दें। तो फेमस होना या फिर बहुत लोकप्रिय होना या किसी का बहुत पसंदीदा होना, वो भी ऐसे इंसान का जो कि उस राज्य का राजा हो, सभी को पसंद होता है। लेकिन शायद तेनालीरामा की हाजिर जवाबी की वजह से, उसकी चतुराई की वजह से लोग उससे हमेशा पीछे रहते थे, ये हमेशा बाजी मार जाता था। लेकिन आज सबको लग रहा था कि जो उसको काम दिया गया था वो बहुत मुश्किल था, और शायद तो सबको लगा कि आज जो काम तेनालीरामा को दिया गया है वो शायद तेनालीरामा नहीं कर पाएगा, और आज उसकी बहुत बेइज्जती होगी, और यही सब बातें राज दरबार में चल रही थी। तो चलिए देखिए आगे क्या होता है। फिर महाराज का प्रवेश हुआ, पीछे पीछे तेनालीरामा चल रहे हैं, और सब दरबारी खड़े होते हैं, महाराज सिंहासन पर बैठते हैं। तो बच्चों यह था तीसरा दृश्य। तीसरा दृश्य मतलब फिर एक दरबार लगा है, जहाँ पे आज दरबार में क्या होने वाला था, आज दरबार में तेनालीरामा बताने वाला था कि उनके प्रदेश में कितने कौवे हैं। तो बच्चों जैसे ही महाराज प्रवेश करते हैं, प्रवेश का मतलब बाहर से अंदर आना, जैसे ही राज दरबार में तेनालीराम महाराज यानी कि विजय नगर के राजा कृष्णदेवराय प्रवेश करते हैं, जो भी दरबारी वहाँ पर बैठे हुए थे सब खड़े हो जाते हैं। और क्यों खड़े हो जाते हैं? क्योंकि राजा थे, उनकी इज्जत में सब खड़े हो जाते हैं। उसके बाद जो तेनालीरामा उनके पीछे पीछे आ रहे थे, सब महाराजा सिंहासन पर बैठ जाकर के बैठ जाते हैं, जो आसन महाराज का था उस पर वह जाकर के बैठ जाते हैं। बच्चों यहाँ पे चित्र में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से सारे दरबारी बैठे हुए हैं और तेनालीरामा खड़े हैं। तो बच्चों कृष्णदेव, हाँ तो तेनालीरामा, कौओं की गिनती हो गई? तेनालीरामा से पूछा कृष्णदेव राय ने कि क्या कौओं की गिनती हो गई? तेनालीराम, जी महाराज हो गई, हमारे राज्य में 155,568 कौवे हैं। अच्छा, उन्होंने एक आंकड़ा दिया, आंकड़ा मतलब एक नंबर दिया, एक संख्या दी जो कि कौओं की थी। कृष्णदेव राय हैरानी से, क्या मतलब? मतलब कृष्णदेव राय को भी यह काम असंभव लग रहा था, और असंभव तो था ही, लेकिन जब उन्होंने जवाब दिया तो उन्हें आश्चर्य हुआ, वो हैरान हो गए, और हैरानी से उन्होंने पूछा, क्या सचमुच, क्या जो तुम आंकड़ा बता रहे हो यह सही है? तेनालीराम, बिल्कुल सच महाराज, चाहे तो गिनती कर लो। तो मतलब जो विश्वास था, जो जब कहते हैं ना आदमी, जब आदमी में विश्वास होता है तो उसे उसके विश्वास को कोई भी हिला नहीं सकता। तो यहाँ पर भी जो तेनालीरामा था बहुत विश्वास के साथ कहता है कि बिल्कुल महाराज, चाहे तो आप गिनती कर सकते हैं। उसे उसके विश्वास को देख करके सब बहुत ही आश्चर्य सबको होता है, और यह बात सुनकर सबको हंसी आ जाती है, और दरबारी हंसते हैं,
क्योंकि जब वो कहता है कि आपको नहीं विश्वास है मेरी बात पे, तो आप चाहे तो गिनती कर सकते हैं। कृष्ण जी, यदि गिनती कम या ज़्यादा निकली तो, तेनालीराम कहता है, यदि कौओं की गिनती ज़्यादा निकली महाराज, तो इसका मतलब होगा कि हमारे राज्य के कौओं के कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आए हैं, और यदि गिनती कम निकली, अगर गिनती ज़्यादा निकली, तो समझ लीजिएगा कि हमारे राज्य के कौओं के कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आए हैं, और यदि गिनती कम निकली तो कुछ रिश्तेदार दूसरे शहर राज्य में जाकर अपने रिश्तेदारों से मिलने गए, मतलब हमारे राज्य के कुछ कौवे दूसरे राज्य में अपने रिश्तेदारों से मिलने गए। उन्होंने दो परिस्थिति रखी और अपने बात को सच कर साबित करने की कोशिश की। और बच्चों, आज के लिए कहानी बस इतनी। अगले वीडियो में हम कहानी को एक बार फिर पढ़ेंगे और आगे की कहानी पढ़ेंगे और फिर पीछे की कहानी को दोहराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।